तो दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ अपने कूलर क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 का कंप्लीट क्लीनिंग। दोस्तों आपको बता दें, इसको यूज करते हुए तकरीबन एक महीने से ज़्यादा हो गए हैं और वक्त हो गया इसको अच्छे से क्लीन करने का, और साथ ही साथ आपको दिखा देने का क्या है सही तरीका इस कूलर को क्लीन करने का, ईजी मेथड बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ टिप्स वगैरह भी देने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ ही स्टार्ट से इन तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इस कूलर से रिलेटेड अगर अदर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इधर या इधर आई बटन पर क्लिक करके जाके देख सकते हैं। नीचे लिंक भी दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। फिलहाल चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और सारा कुछ आपको दिखा देता हूं। लेट्स गो। तो ये है कूलर आपके सामने, देख सकते हैं इसके डस्ट फिल्टर में नेट में कितना ज़्यादा धूल इकट्ठा हो गया है। और आपको बता दूँ, एक महीने की यूज़ में मैंने इसको दो बार क्लीन भी किया है। तो इसे अगर आप बाहर की तरफ रखते हो तो इसका जो डस्ट फिल्टर है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। पैड पे आपको पानी का निशान दिखाई देगा और धूल यहाँ पे जमे हुए हैं। और वहीं आइस चैम्बर में देख सकते हैं जहाँ पे पानी ऊपर आता है वहाँ पे कितने सारे दाग पानी के यहाँ पे जम गए हैं। दोस्तों आपको बता दूँ, जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ यहाँ का पानी थोड़ा गाढ़ा है, इसीलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मार्क आ गए हैं। आगे हम इसको करेंगे क्लीन। इधर आगे की तरफ भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा डस्ट जमा हो गया है। तो क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए पीछे के नेट पर टच करने पर पता चल रहा है कि हाँ कितना डस्ट है। और इधर हनीकॉम पैड भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धूल जमी हुई है। तो सबसे पहले तो ये सारे के सारे नेट हम निकाल देते हैं। ये देखिए हनीकॉम पैड का कलर पूरा चेंज हो गया है, मिट्टी जम गई है और पानी का दाग भी है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ का पानी थोड़ा सा गाढ़ा है तो उससे भी कुछ फ़र्क पड़ा है। ओके, अभी मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ टैंक में जो पानी है उसकी क्या स्थिति है। आपको बता दूँ, इसका पानी मैं हर तीसरे दिन बदल देता था क्योंकि इसका पानी का कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। देख सकते हैं इसका कलर पूरा पीला हो गया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं। तो अभी हम इसको करेंगे कम्प्लीट क्लीन। ये देखिए टैंक में अभी थोड़ा सा ही पानी है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम ताज़ा पानी डालेंगे जो कि हमारे हनीकॉम पैड से होते हुए टैंक में जाएगा। इससे होता क्या है, जब पानी को हम ऊपर से डालते हैं तो हनीकॉम पैड से होते हुए जब ये नीचे जाता है तो सारे डस्ट पार्टिकल हनीकॉम पैड से ये निकाल के कंटेनर में पहुंचा देता है। ओके, फिलहाल अभी इसको छोड़ते हैं, करते हैं सबसे पहले क्लीनिंग इस हमारे डस्ट फिल्टर्स की। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ इस बड़े वाले से। चलते हुए पानी में आप आसानी से हाथ से इसको स्क्रब कर करके कुछ इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। बहुत ईजिली यहाँ पर डस्ट रिमूव हो जाता है। आप कोई ब्रश वगैरह का इस्तेमाल ना करें, हाथ से ही क्लीन करें वरना जो नेट है वो ख़राब हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कर दिया है क्लीन। ओके, साइड के भी नेट्स को कर देते हैं क्लीन सेम तरीके से। ये देखिए ये भी हो गया है क्लीन। अभी तीसरे वाले नेट को यहाँ पे मैं कर रहा हूँ साफ। और ये देखिए इधर कितना ज़्यादा यहाँ पे गंदगी निकल रही है। ओके, तो यहाँ पे ये भी हो गया है कंप्लीट। तीनों के तीनों जो डस्ट फिल्टर हमें मिलते हैं ये हो गए हैं क्लीन, बिल्कुल साफ रख दिया है मैंने एक साइड। अभी चलते हैं यहाँ पे कूलर की सफाई की तरफ। एक जो तरीका है, आप यहाँ पे पीछे ड्रेन फंक्शन को ऑन करके जो टैंक में पानी इकट्ठा है उसको पूरा ड्रेन आउट करके आप फेंक सकते हैं। ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं पर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आप हो जाओगे बोर, थक जाओगे। तो दूसरा जो मैं अपना पर्सनल टिप बताने वाला हूँ, तरीका बताने वाला हूँ, उसके जरिए आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। ओके, तो कूलर को लेके आ गया हूँ मैं बाथरूम के अंदर। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे आगे की तरफ क्लीनिंग। तो आगे के विंडो को क्लीन करने के लिए आप भीगे कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर मैं यहाँ पे डायरेक्ट पानी का इस्तेमाल करने वाला हूँ हीट के फ्लो के साथ, हाथ से स्क्रब करके। और मेक श्योर कि आपका जो आगे का विंडो है बिल्कुल सही तरीके से बंद है। और जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसी तरीके से आप भी क्लीन कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। इस तरीके से आपके कूलर की बॉडी बड़ी आसानी से साफ भी हो जाएगी और स्क्रैच भी नहीं होगी। ओके, आगे का हिस्सा कर दिया है मैंने बिल्कुल नया। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ और लेता हूँ मैं ये एक टूथब्रश नॉर्मल सा, उसके साथ मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना ये लिक्विड सैनिटाइज़र।
सैनिटाइजर में अल्कोहल होने के कारण मैल अच्छे से कट जाती है और साथ ही साथ स्मेल भी काफ़ी अच्छी होती है हैंड सैनिटाइजर की। स्मेल नाइस। अभी ब्रश से यहाँ पे काम करना है शुरू, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाला है। वीडियो को करता हूँ फास्ट फॉरवर्ड मूड पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बड़े ही स्ट्रांगली यहाँ पे पानी का लेयर जम गया है, जिसको साफ करने के लिए ब्रश का पीछे वाला हिस्सा मुझे यूज करना होगा एक स्क्रबर की तरह। और ये देखिए, इससे काफ़ी आसानी से अभी साफ हो रहा है। आप चाहें तो कोई और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके पास कोई आइडिया है तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे जितना मुझसे हो सका है उतना मैंने क्लीन कर दिया है आइस चैम्बर को। अभी आगे का हिस्सा करते हैं क्लीन, जहाँ पे हमारे बटन्स वगैरह लगे हैं। इसमें आपको पानी से बचाना है हाथ से, आप हिला करके पोंछ सकते हैं या फिर गीले कपड़े से। आपको बता दूँ, इसको क्लीन करते टाइम सारी सेफ्टी आपके हाथ में है, आपके रिस्क के ऊपर है। अगर शायद कुछ केस में पानी कुछ ऐसे पार्ट में चला जाता है जिससे कि आपका कूलर काम करना बंद कर दे या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। और आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर रहना है तो आप गीले कपड़े का ही इस्तेमाल करें। पर मैं इसको कुछ इस तरीके से पानी से ही धोता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस कूलर को धोने के बाद सूखने देना होता है। ओके, अभी जितने भी सारे डस्ट और जो भी मैंने क्लीनिंग किया है वो आइस चैम्बर में आ गया। इसमें पानी डाल के सारा कुछ हमें नीचे भेज देना है। ऊपर का भी यहाँ पर ढक्कन साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आइस चैम्बर के साथ साथ पूरा कवर भी यहाँ पे हो गया है क्लीन। ऊपर का भी हिस्सा साफ़ हो गया, आगे का भी हिस्सा साफ़ हो गया। और क्लीनिंग के तीसरे स्टेप में हमें साफ़ करना है अभी हनीकॉम पैर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीछे के साइड से। कुछ इस तरीके से पानी को थ्रो करके धीरे धीरे आप हाथ से ही रगड़ के हनीकॉम पैर को क्लीन कर सकते हैं। हल्का फुल्का आप हल्के हाथ से ब्रश को भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो अच्छे स्मेल के लिए और बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए आप सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं। अदर साइड का भी सेम तरीके से क्लीन कर लेते हैं। तो इस साइड का भी हो गया है क्लीन, थम्स अप। ओके, अभी पानी के जरिए यहाँ पे जो हमारा टैंक है इस कूलर का, उसको भी कर लेते हैं साफ, जो कि काफ़ी आसानी से हो जाता है। फिर से हम ऊपर से पानी डालेंगे, जिससे कि हमारा जो हनीकॉम पैड में जो भी गंदगी इकट्ठा हुई है क्लीनिंग के दौरान वो नीचे टैंक में चली जाए। तो ये स्टेप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पानी डाल देते हैं ऊपर से। ओके, तो यहाँ पे तीनों तरफ के हनीकॉम पैड की क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट। क्लीनिंग के दौरान जितना भी पानी यहाँ पे टैंक में इकट्ठा है उसको अभी हमें करना है बाहर। तो हनीकॉम के तीनों साइड में यहाँ पे देख सकते हैं बड़े बड़े आपको होल दिखाई देंगे। यहाँ से हम पानी को झुका के कूलर को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, पर ये चीज़ आपके रिस्क के ऊपर है, बिल्कुल केयरफुली करो। और इसको करते टाइम अगर दो लोग रहें तो ज़्यादा सही है। यहाँ पे मैं अकेला हूँ तो खुद ही कर रहा हूँ, पर दो लोग करोगे तो ज़्यादा सेफली कर पाओगे। और ये देखिए, घंटों का काम सेकेंडों में हो गया, सारा पानी टैंक का बाहर। अभी ड्रेन फंक्शन यूज करता तो 15 से 20 मिनट लग जाते। ओके, अभी फिर से वही प्रोसेस हम दोहराएंगे, हनीकॉम पैड को क्लीन करेंगे, ऊपर से पानी डालेंगे और क्लीनिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी सारा कुछ मैं क्लीनिंग प्रोसेस दिखा रहा हूँ बिना इस कूलर को ओपन किए हुए है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि सब लोग कूलर को ओपन करके क्लीन नहीं कर सकते। तो ये तरीका भी बिल्कुल कारगर है, पर हाँ, इसमें सेफ्टी और ज़्यादा बरतनी है। ओके, नेक्स्ट अभी हम कर लेते हैं जो टैंक में पानी इकट्ठा है उसको थोड़ा सा आप सेक कर लोगे तो अंदर जो भी गंदगी इकट्ठा है जमा है वो भी क्लीन हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और आप चाहें तो दो लोग की मदद से कूलर को उठा के बिल्कुल कूलर का एक एक बूंद पानी बाहर निकाल सकते हैं। तो तीन बार ये सारे प्रोसेस करूंगा, इसके बाद हो जाएगी क्लीनिंग कंप्लीट। तो फाइनली यहाँ पे कूलर की क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट। ये देखिए, आपके सामने है बिल्कुल नया जैसा कूलर, पहले कितना गंदा था और अभी देखिए बिल्कुल नया जैसा हो गया है।
और यहाँ पे आइस चैम्बर की बात करें तो जितना मुझसे हो सका उतने मैंने क्लीन किया है। इसको साफ़ करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और ये हमने नेट तो क्लीन किया ही था। और ये सारा कुछ करते करते शाम हो गई है, तो ठीक से आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो, पर बिल्कुल क्लीन हो गया है। ओके, अभी पीछे वाला नेट कर देते हैं कनेक्ट, और यहाँ पे मोबाइल के फ्लैश लाइट से आपको दिखाता हूँ मैं कि नेट और हनीकॉम पैड कितने अच्छे तरीके से अभी हो गया है क्लीन। देखिए बिल्कुल साइन कर रहा है, और इधर हमारा हनीकॉम पैड फ्रेश एंड क्लीन। अदर साइड के भी हनीकॉम पैड देख सकते हैं, कर दिया अच्छे से क्लीन। वाटर टैंक भी हो गया है क्लीन, और आगे का विंडो भी देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हो गया है क्लीन। सारे के सारे नॉब बटन भी हो गए हैं क्लीन। तो मेरा काम कैसा लगा क्लीनिंग का आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी दोनों साइड के यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं हमारे डस्ट फिल्टर। ओके, एक बार आप देखो फिर से डस्ट फिल्टर लगने के बाद। परफेक्ट, तो यहाँ पे काम लगभग हो गया है पूरा। वीडियो को अच्छे से प्यार से एक लाइक ज़रूर देना। देख सकते हैं कितनी अच्छी शाम है। ओह, एक चीज़ रह गई, अभी तो पानी डालना बाकी है। चलिए फटाफट पानी को कर देते हैं फिल, उसके बाद करेंगे टेस्टिंग। तो पानी यहाँ पे मैंने कर दिया है पूरा फिल। अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आइस चैम्बर में पंप को स्टार्ट करके पानी अब बिल्कुल क्लीन ऊपर आ रहा है, क्योंकि टैंक भी साफ़ है, पूरा का पूरा हनीकॉम पैड भी साफ़ है, पूरी बॉडी साफ़ है, सब कुछ साफ़ है। और यहाँ पे देखो पानी बिल्कुल शाइनी क्लीन है, और अभी काफ़ी दिनों के लिए कूलर रहेगा साफ़ और अच्छी ठंडी हवा मुझे देगा। यहाँ पे फ़ैन को भी कर दिया है मैंने ऑन। इसको करते हैं बंद, और कूलर को कर देता हूँ थोड़ा सा पोजीशन, जिससे कि डायरेक्ट मेरे चेहरे की तरफ पर लगे लेटते टाइम। आगे मेरा बेड है। ओके, तो सारा कुछ हो गया है यहाँ पे डन, और अभी मैं लूँगा इस कूलर की ठंडी हवा, काफ़ी मेहनत की है। मिलता हूँ आगे वीडियो में। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में यही था सारा कुछ, शायद आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, शायद आपको पसंद रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके बताना, साथ ही साथ नीचे कमेंट में लिख के बताना आपका एक्सपीरियंस इस कूलर के साथ कैसा रहा। अगर आपके पास ये कूलर है तो नीचे लिख के ज़रूर बताना। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, नीचे कमेंट सेक्शन फ्री है, हर बार की तरह पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। इसके साथ साथ मुझसे लाइव चैट करना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो इधर इंस्टाग्राम की आईडी सो रही है, जाके फॉलो कर लेना, और आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ, आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, बाय लिंक हर बार की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से प्राइस चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट खरीद सकते हैं। तो बस चलता हूँ, फिर मिलूँगा किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको रखना अपना ख्याल, कोरोना से बच के रहो, सी यू अगेन, बाय बाय।